Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, students, welcome to lecture number 20 of the Sampling Design and Analysis, MTH 494. So, we were working on the ratio estimation, or uske andar abhi tak hum dekh rahe the simple random sampling ke andar agar humne wo ratios ko use karna hai to kaise karna hai. So, sabse pehle hum thoda sa quick review lenge apne last lecture ka ke लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली अगर ज़्यादा हम डीप ना जाएं तो हमने दो पॉइंट्स वहाँ पे रेज किए थे और वो दोनों पॉइंट्स जो थे वो बेसिकली एन के साथ ही समहाउ रिलेटेड थे कि हमारे पास यहाँ पे रेशो टेक्निक के अंदर जब भी हम पॉपुलेशन टोटल को भी हम जब भी पॉपुलेशन टोटल को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं वी आर हैविंग टू वेज. एक तो हमारे पास वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का है, दैट इज़ वी कैन यूज़ एन वाई बार, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया रेशियो एस्टीमेशन के अंदर. बट इशू ये है कि हमारे पास एन वाई बार जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता इफ़ एन इज़ नॉट नोन टू अस, राइट. सो द रेशियो एस्टीमेशन प्रोसीजर जो कि अभी इसके बाद हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया, हमने कहा वी कैन यूज़ दैट इवन इफ़ एन इज़ नोन आर अननोन, राइट. सो फर्स्ट we try to define the ratio estimator of the population total tau hat y, and then at the same time we try to estimate the variance of tau hat y, right. iske andar all do ki humne se isse jo pichli slide thi wahan par main ye kaha tha ki n aapko known ho ya unknown ho, dono situation mein hum population totals ke liye ye formula istemal kar sakte hain, lekin agar hum variance ke formula mein dekhen to yahan pe situation kuch thodi si हम कहते हैं चेंज है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास एन मौजूद है, राइट. सो इस एन को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर वो एग्जांपल सॉल्व की थी जहां पे हमने इस एन को विच इज़ बेसिकली एफपीसी फाइनाइट दैट इज़ अ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, हमने ये कहा था कि अगर आपका एन जो है वो आपका स्मॉल एन जो है वो यहाँ बहुत स्मॉल है और एन ऑब्वियसली हमारे पास लार्ज ही होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर what we can do is that कि ये factor जो है वो near to unity आ जाता है, near to one आ जाता है, तो हम इस factor को यहाँ से remove कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे बच क्या जाता है, that is one by small n, right. So हमने इसको यहाँ पे sort out भी किया और हमने solve करके भी देखा और फिर हमने ये बात भी देखी कि हमने mu x को अगर हम replace करना चाहें so we can replace with the x bar, right. देन हमने यहाँ पे ये भी देखा व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोरिलेशंस इन फैक्ट. तो जब भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की बात हो रही होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो सब्सिडरी वेरिएबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ऑन द रिस्पॉन्स वाई. तो जब उसका हम ये कहते हैं रिस्पॉन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो फिर हमें यहाँ पे एन वाई बार को यूज़ नहीं करना चाहिए. ऑल्दो यू कैन डू इट, हम ये नहीं कह रहे कि यू कांट डू इट, but if you are looking for some precise estimators then better to go for ratio estimation. So agar aap yahan pe is approach ko use karenge you will be having highly precise estimators. Intuitively this statement makes sense because in ratio estimation we are using the additional information provided by the subsidiary variable x, okay. If the investigator is interested in a population mean rather than the population total, the corresponding ratio estimation procedure is shown in the next slide. So obviously बात है total के लिए हमारे पास estimators कुछ और होते हैं और जब mean निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास estimators कुछ और होते हैं, right? So first thing first is that what are the estimators? So the ratio estimator of a population mean mu y, that is going to be, हमें ये पता है mu y, चूंकि ये estimated है so we can call it hat लगा देते हैं, r mu x, राइट. वेयर अभी हमें यहाँ पे कुछ और भी देखना है क्योंकि व्हाट इज द म्यू एक्स, म्यू एक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड कैपिटल एन, राइट. एंड आर बेसिकली आपको पता है आर इज हमारे पास क्या होता है, विच इज दैट इज सम आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन वाई आई divided sum I varies from 1 to n x I. So it means that we can write it as sum I varies from 1 to n y I divided sum I varies from 1 to n x I and this into
mu x, right? And we can call this relation as 3.8, right? ये आपके पास यहाँ पे. So अगर ये हमारे पास इसका रेशियो एस्टिमेटर है तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड वेरियंस ऑफ द म्यू हैट वाई. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरियंस ऑफ म्यू हैट वाई इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ. सो दिस इज एस्टिमेटेड सो वी हैव टू पुट हियर दिस आर mu x, which can be written as mu x square because that is a constant, and variance of r. So we know the value of variance of r, that is equal to mu x square into n minus n divided n into 1 divided mu x square into sum I varies from 1 to n yi minus r xi square divided n minus 1, and we can call this equation as 3.9. and what you can do is you can cross this, ye aapas mein cancel ho jayenge, so you will be left with n minus n divided n into sum I varies from 1 to n into yi minus r xi square divided n minus 1. So in short, you can write it as, or you can give name to this, and I think it would be good if we write here that is mu hat y. So if we know the estimated variance of the mu hat y, we can easily write bound on the error of estimation. That is basically 2 variance upon mu hat y, that is equal to 2 n minus n divided n into sum I varies from 1 to n yi minus r xi. You better develop your habit of writing all these formulae again and again, so that ye aapko yaad ho jayenge. Bahrhal maine bhi aise hi yaad kiye the, theek hai? So during my studies, uske baad bahrhal aapko thoda sa dekhna padega isko. So this is again same, hum isko bhi 3.10 ka hi naam dete hain, jo ki humne already piche isko, balki usko hum 3.9 kar dete hain. इसको हम छोड़ देते हैं बिकॉज दैट इज सेम इक्वेशन. इसको आप 3.9 भी कह दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. सो दिस इज गोइंग टू बी 3.10. नोट दैट वी डोंट नीड टू नो टॉ एक्स और एन टू एस्टिमेट म्यू वाई व्हेन यूजिंग द रेशियो प्रोसीजर. हाउएवर वी मस्ट नो म्यू एक्स. सो देख लें, हमें टॉ एक्स की या एन की कोई जरूरत नहीं है इफ यू आर एस्टिमेटिंग, इफ यू एस्टिमेटिंग म्यू y. बट अगर आपने सिर्फ म्यू y को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए आपको म्यू x की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहां पे म्यू x इसमें यहां मौजूद है. वेरियंस निकालने के लिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट? सो हेयर कम्स एग्जाम्पल 3.3. अ कंपनी विशेस टू एस्टिमेट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी म्यू y पेड टू एम्प्लॉयज फॉर मेडिकल एक्सपेंसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर. एवरेज क्वार्टरली रिपोर्ट आर अवेलेबल इन द फिजिकल रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. सो देख लें, हमेशा यहां पर भी कंपेरिजन किया जा रहा है. तो हमने ये कहा था कि जब भी रेशियो एस्टिमेशन की बात हो रही होती है, वी ऑलवेज गो फॉर द कंपेरिजन, और या हमें जब भी रिलेटिव चेंज की बात करनी होती है तो इट्स बेटर टू यूज रेशियो एस्टिमेशन. अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 1000 एम्प्लॉयज. द सैंपल रिजल्ट आर समराइज बिलो. Use the data to estimate mu y and to place a bound on the error of estimation. So this is not capital N, I think ye thodi si writing mistake hai. This is basically small n. So your small n is equal to 100, whereas your population size is 1000. Total for the current quarter
तो चूंकि करंट क्वार्टर हमारे पास आज को हमने y से शो किया हुआ है, तो i वेरीज फ्रॉम 1 टू 100, सम ऑफ y i इज इक्वल टू 1750. टोटल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन्हीं 100 एम्प्लॉयज के लिए दैट इज इक्वल टू 1200. सो द पॉपुलेशन टोटल टॉ एक्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, टॉ एक्स इज इक्वल टू 12500. ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है. ओके, सम ऑफ एक्स आई स्केयर इज इक्वल टू 15620, सम ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू 31650, एंड सम ऑफ वाई आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 22059.35. राइट, सो वट वी हैव टू डू, we have to estimate mu y, and after that we have to place a bound on the error of estimation, right? So here comes, this is not so difficult problem, the estimate of the mu y. The estimate of mu y is, we know that mu y estimate is equal to r mu x, right? Where you know that mu x is equal to tau x by n, and total aapko yahan pe given hai, that is 12500. Your capital N is basically 1000, so this is going to be 12.5, and r ki value jo hai wo aapne yahan se nikalni hai, so hum yahan pe isko direct nikal lete hain. Mu y is equal to 1750 divided 1200 multiplied 12.5, and that is going to be 18.23. Now ek kaam humne kar liya, now using yahan pe 3.10, that is hum kya nikalna chah rahe hain 3.10 se, that is bound on the error of estimation, first hum nikal lete hain sum I varies from 1 to 100 yi minus r xi whole square, and we know that this is equal to sum I varies from 100 yi square plus r square, sum I varies from 1 to 100 xi square minus 2r into sum I varies from 1 to 100 yi into xi. So hum yahan pe simply iske andar values put kar dete hain, this is going to be 31650 plus 1.4583, that is the ratio. Yahan se agar aap solve kar lein, square into sum of x square is equal to 15620 minus 2 into 1.4583 into 22059.35, and if you solve it, this is going to be 441.68. Again, this is not bound on the error of estimation. To find out bound on the error of estimation, you need to find out two estimated variance on mu hat y, and obviously you will have to take square root. This is going to be 2, agar hum dekh lein, that is basically n minus n divided nn into sum I varies from 1 to 100 into yi minus r xi whole square divided n minus 1 and whole under the root. Now simply you should put values here, so this is going to be 2 estimated variance of mu hat y under the root, and ab yahan pe values agar put kar dein, this is going to sa niche karke kar lete hain shayad, 2 1000 minus 10 divided 100 into 1000, this is 100, I think, yes,
एंड दिस इज इक्वल टू 441.68 डिवाइडेड 99 एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.42. दस we have estimated the average amount of money paid to employees for the medical expenses to be $18.23 and we are very confident that the error of estimating mu y is less than 0.42. that is a simple conclusion on this, and this was not so difficult. Now there are some other things that we need to keep in our mind, some sort of associations. To remember the formulas for the ratio estimation of the population mean, total or ratio, we make the following associations. The sample ratio R is given by the formula, hame ye pata hai, that is R is equal to sum of I varies from 1 to n yi divided sum of I varies from 1 to n xi, and is relation ko hum naam yahan pe de dete hain 3.11. The estimator of R, tau y, mu y are then, what is that? R hat is equal to R. ये बात हमें पता है कि अगर आपने R को estimate करना है, capital R की बात हो रही है, तो that is always estimated by small r. We call it as a 3.12. Tau hat is equal to R tau x and mu hat y is equal to R mu x. हमने साथ इनको 3.13 and 3.14 के नाम से equations को भी यहाँ पे place कर दिया. Thus, we need to know only the formula for R and its relation to mu y and tau y. That's it. If we make it simple, what we need to know? Hamein R ka pata hona chahiye ya R ke formula ka pata hona chahiye? And then uska relation with mu hat y and tau hat y ke saath kya pata hona chahiye? And on the basis of that, we can estimate tau hat, we can estimate wahan pe jab population total and wahan pe population mean. Hum ye dono aram se find kar sakte hain. Approximate variances can be obtained if you remember the basic formula, that is estimated variance of R is equal to n minus n divided nn into 1 by mu x square into summation I varies from 1 to n yi minus rxi square divided n minus 1, which is 3.15. therefore agar main isko solve karun to variance of tau hat y mere paas kya aa jayega, tau hat square, that is there's a tau square x into estimated variance of R and estimated variance of the mu hat y is equal to mu x square into estimated variance of R. Aur humne isko naam de diya yahan pe 3.17. there's a little mistake and I should fix it here like this. Okay, so now our old friend, how to select the sample size. Humne abhi tak jitni bhi sampling techniques padhi hain, either we talked about a simple random sample, either we talked about a stratified random sample, and now we are dealing with the ratio estimation, right? So we have to estimate the sample size. Okay, that is important. So we stated previously that the amount of information contained in the sample depends on the variation in the data, which is frequently controlled by the sample survey design, right? So hota ye hai ki aapko jitna bhi amount of information chahiye, theek hai, ya jo aap samajhte hain ki sample pe ho sakti hain, wo basically base karti hain aapke sample variation ke upar ki aapke data mein variation kitni kuch hai. Aur issue ye hai ki hamare paas jo different sampling design picture mein aate hain, kabhi hum simple random sampling ki baat kar rahe hain, kabhi hum stratified random ki baat kar rahe hain, aur kabhi hum yahan pe ratio ki, आगे हम सिस्टमैटिक की बात करेंगे, फिर हम क्लस्टर की बात करेंगे, एंड देन वी विल बी हैविंग मे बी आई डोंट नो कितने डिजाइन हमने पढ़ने हैं. तो बेसिकली हमारे पास ये जो इफ वी आर स्विचिंग डिजाइन टू डिजाइन, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वी वांट द प्रिसाइज एस्टिमेटर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिसाइज एस्टिमेटर्स? वी नीड टू हैव अ लेस वेरियंट एस्टिमेट्स इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड included in the sample. तब बस जो जो variation है, एक तो वो sample design पे base करती है और दूसरा वो base करती है sample size के ऊपर. Once the sampling procedure or the design has been chosen, the investigator must determine the number of elements to be drawn. अगर एक दफा आपने ये decide कर लिया है कि sample design कौन सा use करेंगे, simple random करेंगे, stratified करेंगे, ratio approach follow करेंगे, cluster करेंगे, जो भी करेंगे, the investigator must determine the number of elements to be drawn. We will consider
द सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर आर म्यू वाई और टॉ वाई टू बी विद इन बी यूनिट्स फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूजिंग रेशियो एस्टिमेटर. Note that the procedure of choosing the sample size n, मैं इसको हर बार इसी अदा करता हूं कि जब मैं लिख रहा होता हूं तो सब मुझे समझ नहीं आती, अभी मुझे समझ आती है. Sample size n is identical to that presented in the second unit, that is in the simple random sampling. The number of observations required to estimate are a population ratio with a bound on the error of estimation of the magnitude b is determined by setting two standard deviation of the ratio estimator r equal to b and solving this expression for n. Yani hum kya kehna cha rahe hain, that is we must solve two estimated variance of r is equal to b and we name it as a 3.18. hame isko solve karna padega for n. Although we haven't discussed the form of variance of r, you recall that estimated variance of r is given by the formula, aur ye hum formula kai dafa dekh chuke hain, right? Estimated variance of r is equal to n minus n divided nn into 1 divided mu x square, and yahan pe hamare paas ye term hai, and we again call it as a 3.19, right? Equation 3.19 can be rewritten as estimated variance of r is equal to n minus n divided nn into 1 over mu x square into s square. This is important and we call it as a 3.20. So in other words, hum kehna kya cha rahe hain, hum yahan pe is sari ki sari term ko s square ke sath replace kar rahe hain. So humne yahan pe ye isko explicitly mention bhi kar diya hai. In this instance we define s square is equal to sum of I varies from 1 to n y I minus r x I whole square divided n minus 1. An approximate population variance, that is variance of r, can be obtained from estimated variance of r by replacing s square. This is not true. This is basically s square and this is basically sigma square. S square with the corresponding population variance, that is sigma square. Thus, the number of observations required to estimate r with the bound b on the error of estimation is determined by solving the following equation for n. Agar hum is equation ko n ke liye solve kar lein, to humare paas yahan pe ye masla hal ho jata hai. We can have total number of observations required 2 into n minus n divided n into 1 by mu x square into sigma square. So, ye sigma square basically kyun kiya hai? Humne iske andar se is s square ko replace kar diya hai. Agar hume population variance ko approximate karna hai, so aur hum use bhi kise kar rahe hain estimated variance of r ko, then what we need to do, we need to simply replace this s square by sigma square and that is equal to b. Agar hum isko solve karenge, so we can have a sample size required to estimate r with a bound b, right? So this is going to be, what is the sample size? That is equal to n is equal to, agar aap isko solve kar lein, you will get n is equal to n sigma square divided n d plus sigma square and name it as 3.22, where what you should know, that what is d? So d is equal to, you know, b square and mu x square divided 4. agar aap isi equation ko solve karein isi ko, so you will reach here. In fact aapne solve isko karna hai, right? Aap isko solve kar lein, so you will reach here. In a practical situation we are faced with a problem in determining the appropriate sample because we don't know sigma square. Ab issue ye hai ki hamare paas practically yahan pe sigma square nahi hota. If no past information is available to calculate s square as an estimate of sigma square, we take a preliminary sample of size n prime and compute, that is sigma hat square summation I varies from 1 to n prime yi minus rxi whole square divided n prime
माइनस वन. अगर आपको पॉपुलेशन वेरियंस की बात की इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू डोंट हैव योर पास इंफॉर्मेशन के जिसकी मदद से आप एस केयर को भी यूज ना कर सकें, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने अपने पास जो प्रिलिमिनरी सैंपल लिया हुआ है और उसकी मदद से फिर हम यहाँ पे इस पॉपुलेशन वेरियंस को एस्टिमेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. इन माइंडेड हम यहाँ पे जो एन ले रहे हैं, वी हैव पुट अ स्पेशल प्राइम ऑन दैट, जो आपके पास ये शो करता है कि ये आपका प्रिलिमिनरी सैंपल साइज है. दस वी सब्स्टिट्यूट दिस क्वांटिटी ऑफ सिग्मा स्क्वायर इन इक्वेशन 3.22 एंड वी फाइंड एन अप्रोक्सीमेट सैंपल साइज इफ म्यू एक्स. देखिए वापस जाएं, इसके अंदर आपको म्यू एक्स भी चाहिए, राइट? एक आपको यहां पे पॉपुलेशन का वेरियंस चाहिए, एक आपको म्यू एक्स भी चाहिए. तो हमने वेरियंस का तो हाल निकाल लिया कि वेरियंस हम यहां पे ये कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी हमारे पास जो सैंपल साइज है उसकी मदद से हम पॉपुलेशन वेरियंस को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. एंड इफ म्यू एक्स इज ऑल्सो अननोन, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई द सैंपल मीन, दैट इज एक्स बार कैलकुलेटेड फ्रॉम दी एन प्राइम प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन. तो ये देख लें, जब आप एक्स बार निकालेंगे, दैट एक्स बार इज गोइंग टू बी समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन प्राइम एक्स आई डिवाइडेड एन प्राइम, राइट? तो आपने बेसिकली आप एन प्राइम ऑब्जर्वेशन से निकाल रहे हैं. सो हेयर कम्स एग्जाम्पल 3.4. लेट्स हैव अ लुक. और इसमें भी आपको शायद जो भी हम यहाँ पे जितनी हमने चीजों को थ्योरेटिकली स्टडी किया है, वी विल बी हैविंग सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. अ मैन्युफैक्चरर कंपनी विशेस टू एस्टिमेट द रेशियो ऑफ चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर इन द नंबर ऑफ मैन आवर्स लॉस्ट ड्यू टू सिकनेस, राइट? अ प्रिलिमिनरी A study of n prime is equal to 10 employee records is made and the results are given in the table. The company records shows that the total number of man hours lost because of sickness for the previous year was tau x is equal to 16,300, right? Use the data to determine the sample size required to estimate r. The rate of change for the company with a bound on the error of estimation of magnitude B is equal to 0.01. Assume the company has 1000 employees. Iska matlab hai ki what we are assuming that capital N is equal to 1000. Here you got the data of 10 employees jo unne yahan pe sample liya tha. Ye basically aapka preliminary tha. So this is basically N prime, right? बल्कि इसको अगर हम ये कह दें एन आई कह दें, ठीक है? सो मैन आवर्स लॉस्ट इन द प्रीवियस ईयर एंड मैन आवर्स लॉस्ट इन द करंट ईयर, दैट इज वाई आई एंड दिस इज बेसिकली एक्स आई. सो देख लें, एम्प्लॉय वन के पिछले साल जो थे वो टोटल 12 घंटे जाया हुए थे और इस साल उसके 13 घंटे जाया हुए हैं. 24, 25, 26, 26, 10, 12, 15, 16, 0, 2, 14, 12. हम एक चीज कहते होते हैं कि वेन एवर वी आर डीलिंग विद द रिसर्च, तो हम ये कहते हैं डेटा स्पीक्स. यहां पर भी डेटा कुछ बोल रहा है, राइट? अभी हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, बिकॉज अगर हमने उस पर बात शुरू कर दी सो वी विल बी आउट ऑफ द वे, राइट? So, total man hour loss in the previous year in this sample, right? ये जो हमने यहाँ पे preliminary sample लिया हुआ है वो है 178, जबकि इस साल 187 hours जो है वो जाया हुए हैं due to sickness of the people. So, we have to first we calculate what we need to do. In fact, हमने sample size निकालना है जो कि हमें R के लिए चाहिए, ठीक है? So, first we calculate. फर्स्ट वी कैलकुलेट और एस्टिमेट कह सकते हैं बाय यूजिंग
right? So this is sigma hat square is equal to sum I varies from 1 to 10, in fact that is n prime, yi minus r xi whole square divided 9, right? Where इसके लिए अब मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी हैं, सो मुझे ये पता है कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आई एम अफ्रेड कि स्पेस छोटा होगा, सो सम ऑफ वाई आई माइनस आर एक्स आई स्केयर इज इक्वल टू सम आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 10 वाई आई स्केयर प्लस आर स्केयर सम आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 10 x I square minus 2r into sum I varies from 1 to 10 y I and x I, right? So sum I varies from 1 to 10 y I square can be written as 13 square plus 25 square plus 12 square, right? If you solve it, you will get 4463. Then what is the sum I varies from 1 to n x I square? That is equal to 12 square plus 24 square plus 14 square. That is going to be 4066. And finally, what you need to have sum of yi into xi, that is equal to 12 into 13 plus 24 into 25 plus 14 into 12, and the answer is 4245. So r is going to be sum I varies from 1 to 10 yi divided sum I varies from 1 to 10 xi. So this is going to be 187 divided 178, and the answer is going to be 1.05. hence sum I varies from 1 to 10 into yi minus r xi स्केयर इज गोइंग टू बी, हम यहाँ पे सिंपली उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 4463 प्लस 1.05 स्केयर इंटू 4066 माइनस 2 इंटू 1.05 एंड इंटू 4245, एंड दिस इज गोइंग टू बी 31.265, राइट? Your sigma hat square, basically हम sigma hat को estimate कर रहे थे, that is going to be sum I varies from 1 to 10 y I minus r x I whole square divided 9, and this is equal to 31.265 divided 9, and the answer is going to be 3.474. The required sample size can be obtained by using 3.22. Note that mu x is equal to tau x by n, which is equal to total aapke paas 16,300 given tha, n was 1000 ye bhi given tha, so this is 16.3. Pretty simply hum yahan pe isko nikal sakte hain, and d is equal to obviously v square into mu x square divided 4. So if you solve it, you will be having 0.01 bound. उसने आपको उसको problem में define किया हुआ है, 16.3 का भी square,
4, and this is going to be 0.006642. Therefore, n is equal to n sigma hat square divided n d plus sigma hat square, and this is equal to 1000 into 3.474 divided 1000 into 3.474. So that is the approximate sample size, which means that that is 345, right? So what is the conclusion of the 344 or 345, whatever? Therefore, we should sample approximately a 344 employee records to estimate R, the rate of change in man hours lost due to sickness with the bound on the error of estimation of 0.01 hour. इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना bound on the error of estimation को 0.01 से कम रखना चाहते हैं और at the same time आप ये चाहते हैं हमें वो relative change estimate हो सके, तो इस काम के करने के लिए आपको कम से कम वहाँ पे 344 employee records को उठाना पड़ेगा, right? देखें यहाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास variance भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया, हमने एक वहाँ पे ऐसा preliminary किस्म का sample उठाया और उस sample की base के ऊपर we have concluded कि हमें in fact कितना sample उठाना चाहिए so that कि हमारा जो bound on the error of estimation है वो एक खास level से B जो कि level हमने अपने problem में define कर दिए या हम अपने industry में define कर देते हैं वो succeed ना करे, right? So similarly, we can determine the number of observations n needed to estimate. अभी तो हमने r की बात की थी और अगर हमें basically यही n estimate करना पड़ जाए for the population mean mu with a bound on the error of estimation of the magnitude b. अगर bound on the error भी आपने specify कर लिया है और आप इस mu y को estimate करना चाहते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कितने number of observations वहाँ पे ली जाए. So the required sample size is found by solving the following equation for n, that is 2 into variance of mu hat y is equal to b, which is basically 3.23 equation, and so stated differently, 2 mu x into variance of r is equal to b. On the basis of 3.17 we can write this equation. Therefore, the sample size to estimate mu y with the bound on the error of estimation b, that is going to be, wo hamare paas equation kya ban jayegi, n is equal to n sigma square divided n d plus sigma square, and this equation is basically 3.24, where your d is equal to b square by 4. Don't forget the logic कि हमने जो आपको पहले भी बताई थी कि जब mean और total के sample sizes के अंदर d का जो impact है तो वो निकालना होता है, तो how to do that, right? So note that we need not to know the value of mu x to determine n in equation. इस equation के अंदर हमें यहाँ पे mu x की value की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, right? However, we do need an estimate of the sigma square because वहाँ पे population का variance बाहर आल involve है, हमें उसके लिए कोई ना कोई estimate ज़रूर निकालना पड़ेगा. Either अब इस काम के लिए ये हो सकता है either from prior information if it is available or from information obtained in a preliminary study. So here comes example 3.5. Let's have a look on this और फिर इसके बाद हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं. An investigator wishes to estimate the average number of trees mu, right? A mu per acre on the n is equal to 1000 acre plantation. She plans to sample n 1 acre plots and count the number of trees y on each plot, right? She also has aerial photographs of the plantation from which
she can estimate the number of trees x on each plot for the entire plantation. Hence, she knows mu x. Therefore, to use a ratio estimator of mu x with a bound on the error of estimation of the magnitude b is equal to 1.0. The results are given in the accompanying table. ये basically उसके पास एक aerial estimate था और ये actual number था. उसका aerial estimate उसको plot number 1 पे ये कहता है कि 23 plants होंगे जबकि actual number जो थे वो 25 थे. 14, 15, 20, 22, 25, 24. देखें यहाँ पे ये काम भी हो रहा है, ठीक है. So यहाँ पे उसके aerial estimate से ज़्यादा हैं, यहाँ भी ज़्यादा हैं, यहाँ भी ज़्यादा हैं, यहाँ भी ज़्यादा हैं, यहाँ बराबर हैं, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ पे कम. तो ये कम और ज़्यादा की यहाँ पे जो गेम है इसके अंदर से बेसिकली हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम इसके एक्चुअल वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहले चीज़, अगर यहाँ पर मुझे सैम्पल साइज़ को एस्टिमेट करना है तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ दैट आई हैव टू एस्टिमेट. सो एंड an estimate of a sigma square is given by, उसके लिए obvious ही बात यह है कि sigma hat square is equal to sum I varies from 1 to 10 into y I minus r x I square divided n minus 1. तो इसको सॉल्व करने के लिए we can write using equation 3.4 जिसके अंदर हमने इसकी इसको expand किया हुआ था. we can have sum of y I square that is equal to 5469 and your sum of x I square where यहाँ पर भी लिख लेते हैं I varies from 1 to 10 I varies from 1 to 10 that is equal to 4872 and similarly we can have values sum I varies from 1 to 10 y I into x I that is going to be 5144 and we also need r value. So r is equal to sum I varies from 1 to 10 y I divided sum I varies from 1 to 10 x I. This is going to be 221 divided 208 and this is equal to 1.066. therefore अगर हम यहाँ पे उसकी values put कर दें, this is going to be sum I varies from 1 to 10 y I minus r x I whole square. This is equal, अब हम यहाँ पे उसकी direct उनकी values को put कर देते हैं, 5469 plus 1.06 whole square into 4872 minus 2 into 1.06 and 5144 and the answer is going to be 37.8992, right? So ultimately we can find sigma hat square that is equal to 37.8992 divided 9 and the answer is 4.21, right? Now before finding n we need to find out d. D is basically b square by 4 and that is equal to 1/4. So n is equal to n sigma square divided n d plus sigma square. This is equal to 1000 into 4.21 divided 1000 into 1/4 plus 4.21, and if you completely solve it that is 16.56, which is approximately 17. So to summarize, we need to examine approximately 17 plots to estimate mu y, the average number of trees per 1 acre plot with a bound on the error of estimation of b is equal to 10,
वी ओनली नीड 7 एडिशनल ऑब्जर्वेशन सिंस वी हैव 10, वी हैव 10 फ्रॉम द प्रिलिमिनरी स्टडी. हमने इसे केस के अंदर चूंकि 10 तो हमने वहां पे प्लॉट जो है वो ले लिए सैंपल, लेकिन वो जो प्रिलिमिनरी स्टडी है वो हमें ये सजेस्ट कर रही है अगर आप अपने एरर को इस बाउंड पे रखना चाहते हो, सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव एटलीस्ट 17 प्लॉट्स, राइट. सो हमें यहाँ पे 17 प्लॉट्स चाहिए जिसमें से हमने ऑलरेडी यहाँ पे 10 जो हैं वो तो हमने ले लिए हुए हैं. सो वी नीड एडिशनल 7 प्लॉट्स टू कीप आवर एस्टिमेट्स अंडर सम सर्टन बाउंड्स. The sample size required to estimate tau y with a bound on the error of estimation of magnitude b can be found by solving the following expression by for n that is 2 variance of tau y is equal to b, or equivalently from equation 3.16 that is 2 tau x into variance of y under the root is equal to b. What does that mean? Agar hum tau y ke liye hame agar sample size chahiye ho, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके निकालने के लिए वी नीड टू हैव एन इज इक्वल टू एन सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड एन डी प्लस सिग्मा स्क्वायर. देखने में आपको ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे हम इससे पिछला भी फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, लेकिन एक चीज पे आपने गौर नहीं किया, यहां पर हम टॉप वाई के एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, वेयर एज इससे पहले जो हम बात कर रहे थे जो फार्मूला हमने वहां पे ड्राइव किया था वो फार्मूला हमने म्यू वाई के लिए किया है. ये आपके पॉपुलेशन मीन के लिए था, राइट. और इससे पहले भी शायद हमने कोई किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वेल यहां पे आर के लिए था. तो हर एक सिचुएशन के लिए हमारे पास सैंपल साइजेस का फार्मूला डिफरेंट होगा, और फर्क कहां पड़ेगा? देखें, हमने जब यहां पे फाइंड किया एन का फार्मूला तो हमारे पास वेल वही फार्मूला एन सिग्मा स्क्वायर बाई एन डी प्लस सिग्मा स्क्वायर. लेकिन जरा डी की वैल्यू पे गौर करें, डी इज इक्वल टू बी स्केयर इंटू म्यू एक्स स्केयर बाय 4, राइट. नाउ लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेम फार्मूला, बट हमें ये पता जब भी हम पॉपुलेशन मीन्स के लिए कभी भी सैंपल साइज को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, डी इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्केयर बाय 4. एंड नाउ इन दिस सिचुएशन जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन टोटल्स की, अगर मैंने पॉपुलेशन टोटल को एस्टिमेट करने के लिए सैंपल साइज लेना है तो फार्मूला तो अगेन वही है, बट हेयर डी इज इक्वल टू बी स्केयर बाय 4 एन स्केयर. सो दैट इज द चेंज, राइट. सो आपने इस चेंज को याद रखना है. जब आर के लिए करते हैं तो क्या होगा, जब हम पॉपुलेशन मीन के लिए करते हैं तो क्या होगा, एंड सिमिलरली जब हम इसको पॉपुलेशन या टोटल के लिए करते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी. सो हेयर कम्स एग्जाम्पल, और आई होप दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे. हम आज के सेशन में सिर्फ इसी एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे और देन उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें बचती हैं. एन ऑडिटर विशेज टू कंपेयर द एक्चुअल डॉलर वैल्यू ऑफ एन इन्वेंट्री ऑफ हॉस्पिटल tau y with the recorded inventory tau x. The recorded inventory tau x can be summarized from computer stored hospital records. The actual inventory tau y could be determined by examining and counting all hospital supplies, but this process would be very time consuming and costly. Hence the auditor plans to estimate tau y from a sample of n different items randomly selected from hospitals supplies. Records in the computer list capital N is equal to 2100 different item types and the number of each particular item in the hospital inventory. With these data, a total value for each item x can be obtained by multiplying the total number of each recorded item by the unit value per item. Fine, we can do it. The total dollar value of the inventory obtained from the computer is given by tau x is equal to sum of the dollar values for the n is equal to 2100 item is equal to, that is sum I varies from 1 to 2100 x I. In this instance, tau x was found to be $950,000. Determine the sample size, यानी कि number of items,
needed to estimate tau y with a bound on the error of estimation of magnitude b is equal to 500. Now, before going to the solution, we have something to discuss here. Because there is no prior information available, a preliminary study must be conducted to estimate population variance, that is sigma square. Two people can determine the actual dollar value y for each of the 15 items in a day. For this example, we will use the data from a single day's inventory, yani ki hamare paas jo preliminary sample size hoga, wo obviously 15 items ka hoga. As a preliminary study to obtain a rough estimate of sigma square and consequently a rough approximation of the required sample size n. Actually, the investigator would probably take a preliminary study of the 2 or 3 days inventory to provide a good approximation to sigma square and hence n. However, to simplify computation, we will consider a preliminary study of n prime is equal to 15 items, that is a single day, right? वो दो दिन का भी ले सकता है, तीन दिन का भी ले सकता है, just to improve his estimators and like his approximate sample size. These data are summarized in the accompanying table along with the corresponding computer figures, entities in the hundreds of US dollars. So here we are having 15 items, dollar value from computer X, that is 15 US dollars, jabki uski actual value jo hai, that is 14 US dollars. 9.59, 14.2, 12.5, 20.5, 22, 6.5, 6.3, 9.8, 8.4, and so on. और यहाँ पर हमने उनको totals भी उनके कर लिए हैं, and so we know. So इसका total हमारे पास आता है, that is basically sum over xi, and that is basically sum over yi. Where I varies from 1 to 15 and where I varies from 1 to 15, right? So now we have to solve it. First of all, we have to determine that is sigma square. So to determine sigma square, we need to find I varies from 1 to 15 yi minus rxi whole square, that is sum I varies from 1 to 15 yi square plus r square sum I varies from 1 to 15 xi square minus 2r into sum I varies from 1 to 15 yi into xi. So from the data we can have, agar hum ise kisi calculator mein put kar dein ya isko manual hum find kar le, we can do it. This is going to be sum I varies from 1 to 15 yi square, that is sum ya pehle humne aapke liye nikal ke rakh li hain, and sum I varies from 1 to 15 xi square is equal to 4706.54. And similarly, sum I varies from 1 to 15 yi into xi, that is 4560.27, right? Or sabse pehle cheez jo hum yahan pe find karni hai, that is going to be the ratio. So r is equal to sum I varies from 1 to 15 yi divided sum I varies from 1 to 15 and xi. So very first thing is that we have to find range, because whenever we have to solve that equation we need to have value of r, okay? So this is going to be 237.5 divided 242, and that is going to be 0.9814, which is approximately 0.98. therefore sum I varies from 1 to 15 yi minus r xi whole square, this is going to be 4522.19,
plus 0.98 square. We are just putting values, okay? Summation xi square, that is 4706.54, and minus 2 into 0.98 into sum of xy, that is 4560.27. And this is equal to, if you solve kar le, you will get 104.2218. Therefore, aage chale jaate hain. Therefore, sigma hat square is equal to sum I varies from 1 to 15 yi minus r xi whole square divided 14, that is equal to 104.2218 divided 14, and the answer is 7.444 tetrafor. Okay, whereas your d is equal to b square by 4 n square, which is equal to 500 square divided 4 into 2100 ka square, and if you solve it, that is 0.01417. therefore, ab jis cheez mein hum interested the wo hum find kar lete hain. Therefore, required sample size would be 2100 This is going to be 2100 into 7. Is divided 2100 multiply 0.01417 plus 7.4. And if you solve it, you will get 420.2326. That is the required sample size. That is the required sample size for you. And actually, आपको ये sample size चाहिए. और ये sample size हमने कैसे निकाला? We were having just a preliminary data, and on the basis of that data, we have estimated कि हमें basically इतना sample size चाहिए. अगर हम bound on the error of estimation को 500 या 500 US dollars से less रखना चाहते हैं, right? So far हम अपने आज के session को इधर ही close करेंगे. Let's have a look. हमने यहाँ basically जो आज हमने चीज़ देखी थी, that was a ratio estimator of the population mean, right? And then उसका हमने estimated variance देखा, और उसके अंदर हमने ये चीज़ देख ली. हम यहाँ पे कोई चीज़ जो के हमारे पास था म्यू एक्स, हमने म्यू एक्स का भी यहाँ पे देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट दैट. आर ऑब्वियसली हम अभी तक उसके अंदर डील करते आ रहे हैं. उसका हमने एस्टिमेटेड वेरिएंस देखा, फिर हमने बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन भी यहाँ पे देख लिया. नोट दैट वी डोंट नीड टू नो टॉ एक्स और एन टू एस्टिमेट म्यू वाई व्हेन यूजिंग द रेशियो प्रोसीजर, बट वी मस्ट नो म्यू एक्स. देन हमने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व की, और एग्जाम्पल के बाद हमने एसोसिएशन ढूंढी, और ये एसोसिएशन बड़ी अच्छी थी कि हमें सिर्फ इसके अंदर एक आर चाहिए होता है, और आर का रिलेशनशिप बिटवीन म्यू हैट वाई एंड टॉ हैट वाई चाहिए होता है. अगर हमें वो चीज़ें मिल जाएं तो वी कैन हैव एस्टिमेट फॉर ऑल दीज थ्री, राइट? अप्रॉक्सीमेट वेरियंसिस कैन बी ऑब्टेन इफ यू रिमेंबर द बेसिक फार्मूला, एंड वट इज दैट बेसिक फार्मूला? वो बेसिक फार्मूला हमारे पास ये था. इसी की मदद से हमने अगर जब भी estimated variance of tau hat y निकालना होगा, that is tau square x into estimated variance of r, and same with the estimated variance of mu hat y. Then हमने यहाँ पे तीन cases discuss की जहाँ पर हमें sample size निकालना था. हमने sample size निकाला for the ratio r, और उसके अंदर हमने कहा था कि आपने इस change को जरूर यहाँ पे याद रखना है. Then हमने sample size find किया for the जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन मीन को, एंड देन हमने सैंपल साइज फाइंड किया जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन टोटल टॉ वाई को. तो बेसिकली वहां पे जो चेंज थी वो यहां पे, क्योंकि आपका इन तीनों केसेस के अंदर फार्मूला यही होगा एन के लिए, राइट? लेकिन बेसिक फर्क जो है वो आपका यहाँ पे आपके डी में पड़ता है.
डी क्या है आपके पॉपुलेशन टोटल के केस में, ये एक डिफरेंट वैल्यू है, पॉपुलेशन मीन के केस में एक डिफरेंट वैल्यू है, एंड पॉपुलेशन रेशियो के केस में ये एक डिफरेंट वैल्यू आएगी. सो फार हमारा आज का सेशन उसका ज्यादा इंफेसिस जो था वो बेसिकली सैंपल साइज के ऊपर ही था. सो वी हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन ऑब्टेन द सैंपल साइज एंड इवन वी हैव सॉल्व्ड सम वर्किंग प्रॉब्लम्स ऑन दैट इन विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू हैंडल such type of the problems and approximate the sample sizes. So, aaj ke session ko hum idhar hi wind up karte hain. Inshallah, aap se agle lecture mein phir mulaqat hogi. Meanwhile, aap na sirf ye ki inko solve karein banke, balki inko deeply understand karne ki koshish karein. Because jab aapke paas assignments ya quizzes ya aapke session terminals aayenge, to wahan par although ke isse related hi problems honge, but obviously there are some twists. Kyunki wo paper main hi bana raha. पेपर वो डेफिनेटली कोई और बंदा बनाएगा, तो उनको सिर्फ कॉन्टेंट्स पता होंगे. सो यू शुड बी हैविंग अ वेरी थॉरो प्रैक्टिस ऑन दीज थिंग्स. बाकी जहां तक रही प्रॉब्लम्स की बात, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के भी, स्ट्रेटिफाइड के भी, रेशियो के भी और सिस्टमैटिक के भी. बिकॉज अगली दो से तीन क्लासेस के अंदर हमारा ये रेशियो खत्म हो जाएगा और होपफुली हमारा सिस्टमैटिक भी खत्म हो जाएगा, राइट. सो उन सब के प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह आपको इकट्ठे यहीं पर स्लाइड्स में दे देंगे और उसके ऊपर फिर एज सच हिंट्स जहाँ पे ज़रूरी हुए वहाँ पे दे दिए जाएंगे, अदरवाइज आपने वो सारे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने हैं. सो ऐसा कीप ऑन वर्किंग. अल्लाह आपका मीन असर हो. अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी.